विधानसभा चुनाव से पहले आप महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रहा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार पर पूरी तरह से हमलावर होने की रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक एवं उत्तराखंड में चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने आंकड़ों के जरिए सरकार पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने आज से 29 नवंबर तक जन जागरण अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पदयात्रा, श्रमदान, सफाई अभियान भी चलाया जाएगा। इस दौरान पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता गांधी टोपी पहनेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि मोदी सरकार के पास जवाब नहीं है, हिमाचल की जनता ने सबक सिखाया, अब उत्तराखंड की जनता जबरदस्त चांटा लगा दे, उत्तराखंड से तड़ी पार कर दे। इस बीच हरीश रावत ने लोगों को इगास की बधाई दी, लेकिन गढ़वाल के जौनसार बाबर क्षेत्र में मनाए जाने वाले मकसिर त्योहार को लेकर भी छुट्टी देने की मांग की। हरीश रावत ने सदस्यता अभियान को लेकर नंबर जारी किया, महंगाई को लेकर पंपलेट जारी किया, एक भाग महंगाई क्यों बढ़ी और दूसरे भाग में कांग्रेस लोगों से जानने का प्रयास कर रही है कि कहां तक सहमत है, क्या निदान है। जो हमारा सांस्कृतिक जुड़ाव, जो हमारी परंपराओं के साथ जुड़ाव था, हमारे वस्त्र आभूषण, भोजन आदि सब चीजें जो है जो उससे जुड़ी हुई थी, उत्तराखंड के अंदर हम उन स्थितियों को फिर से रिक्रिएट कर रहे हैं और अपने त्योहारों के साथ, अपने परंपराओं के साथ, अपने भोजन परंपरा के साथ, अपने वस्त्र आभूषणों के साथ, अपनी सांस्कृतिक, अपने गार गहेरों के भगनौले, चादरी, झुमेलो आदि के साथ हम अपने को पूरी तरीके से आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, ताकि जो हमारी कांग्रेस की पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो सबका इनके साथ परिचय हो सके। जैसे और हम इसमें ये नहीं कह रहे कि कौन क्या कह रहा है। वैसे आप सब जानते हैं कि बूढ़ी दिवाली है, हमारी परंपरा का दिवाली के बाद का हिस्सा है, और उसके बाद मंगशीर की दिवाली है जो एक बड़े हिस्से में मनाई जाती है। तो ये हम इनको फिर से जो इनको हमने अपने लोगों से कहा इसको एडॉप्ट करें, और मुझे इस बात की खुशी है कि भैलो के प्रोग्राम में मैं कम से कम नहीं चला गया हूँ, मैं लोग तो इसमें 21 साल से इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। सरकार का 10 साल का जो कार्यकाल था उसमें हम बटुए में पैसा लेकर जाते थे और थैला भर सामान खरीद के लाते थे, और अब मोदी जी के कार्यकाल में ये हाल होने वाला है बहुत जल्दी 2024 में कार्यकाल खत्म होने से पहले कि हम थैला भर पैसा लेके जाएंगे और बटुए में सामान लेके आएंगे। तो मोदी सरकार ने न सिर्फ दुपहिया चार पहिया वाहन से पेट्रोल और डीजल को गायब किया है, न सिर्फ हमारी थाली से खाना गायब किया है, न सिर्फ हमारी जेब से पैसा गायब किया है, बल्कि मैं कहना चाहती हूँ कि इस देश की जनता के चेहरे से हंसी और उनके जीवन से सुकून गायब कर दिया है। और आप जानते हैं, एक बहुत पीपली लाइव एक पिक्चर आई थी जिसमें एक बड़ा ही मशहूर गाना हुआ कि सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। तो भाई महंगाई के साथ अगर कमाई हो तो फिर भी महंगाई इतना चुभती नहीं है, पर मोदी सरकार के कार्यकाल में जिस तरीके से काम धंधा ठप्प पड़ा है, बेरोजगारी चरम पे है, और कोरोना का रोना नहीं रो सकती ये सरकार, क्योंकि कोरोना से पहले ही देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई थी, भूलना नहीं चाहिए हमें। RBI के गवर्नर ने रिजाइन कर दिया था, सरकार इतनी शर्मसार थी, आंकड़े छुपा रही थी कि NSC के मेंबर्स को इस्तीफा देना पड़ा। तो ये बेरोजगारी का आलम जो है वो महंगाई की मार से जनता के मुंह से चीत्कार निकाल रहा है, कमाई नहीं है, महंगाई है और दुहाई है। दो चीजें स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं। पहला ये कि गृहिणी होने के नाते मुझे लगता है कि LPG का जो दाम UPA सरकार के समय सिलेंडर 400 रुपए का था, आज 900 रुपए का हो गया है। तो उज्ज्वला योजना का झुनझुना जो मोदी जी बता रहे थे, वो कृपया ये बताएं कि जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, कोरोना काल में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, इसके अलावा पिछले 8 साल में 8 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, तो ये गरीबी रेखा के नीचे जा रहे लोग 1000 रुपए का सिलेंडर क्या खरीद सकते हैं? मैं जानना चाहती हूँ, एक नया सर्वे आया है, वो बता रहा है कि LPG का इस्तेमाल करने वाले 42% लोगों ने
वापस चूल्हा फूकना महिलाओं ने शुरू कर दिया, लकड़ी का ईंधन शुरू कर दिया। इस साल पिछले 351 दिन में 305 रुपया एलपीजी गैस का बढ़ा है कि टैक्स लगाया गया कृषि से संबंधित उपकरणों पर, खाद पर, कीटनाशक पर, बीज पर 12-18% जीएसटी दे रहा है किसान, यानी कि 23,000 रुपए प्रति हेक्टेयर खेती की लागत बढ़ गई है, 23,000 रुपए प्रति हेक्टेयर। और एक सिचुएशन असेसमेंट सर्वे आया है जो बताता है कि किसान की आमदनी रोज की 27 रुपया है। तो आत्महत्या नहीं करेगा किसान तो क्या करेगा? 800 किसान अपनी जान दे चुके हैं, शहादत हो चुकी है उनकी, लेकिन मोदी जी के कान पर जू नहीं रह गई। जो फ्यूल एक्साइज, जो मैंने आपको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बताया, ये बढ़ा बढ़ाकर मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में 23,00,000 करोड़ रुपया जनता की जेब से अपनी जेब में डाल लिया। मेरा सवाल है कि जनता को क्या फायदा हुआ? 20,000 करोड़ का मोदी जी का सेंट्रल विस्टा रूपी महल बन गया, 8,500 करोड़ का विमान आ गया मोदी जी के लिए, 10-15 लाख के अपने ही नाम के न जाने कितने सूट मोदी जी ने सिलवा लिए, पर जनता को क्या 2 करोड़ नौकरी मिली? क्या 15 लाख आया अकाउंट में? एक एक सांस के लिए मोहताज होती जनता को क्या ऑक्सीजन सिलेंडर मिला? 24-24 घंटे मरघटों पे लाशें जली हैं लोगों की। क्या काशी क्योटो बन गई? क्या स्मार्ट सिटी बन गई देश में? क्या बुलेट ट्रेन आ गई? तो जनता को क्या मिला? एक एक नारा मोदी जी का, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, एक एक नारा जुमला साबित हो रहा है। और निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री हैं, उनसे जब कहा जाता है कि प्याज महंगी हो गई तो कहती है प्याज खाना छोड़ दीजिए, ये उपाय है सरकार के पास। अब अगर उनसे कहा जाए कि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, हम गाड़ी कैसे चलाएंगे, हम अपना स्कूटर बाइक कैसे चलाएंगे, तो कह देंगी बैलगाड़ी चलाना शुरू कर दीजिए, अच्छा है। अगर उनसे पूछा जाएगा तेल महंगा हो रहा है, मोदी जी ने तो कहा था नौजवानों से जो बेरोजगार है कि नाली की गैस पर पकौड़ा तल लीजिए, वो कहेंगे कि नाली की गैस तो मिल जाएगी लेकिन पकौड़ा तलने के लिए अब तेल तो मिल नहीं रहा है। तो ये हाल हो गया है देश में, महंगाई का जो आलम है, मैं तो ये कहती हूँ कि उसके कारण आज पूरे देश की जनता कह रही है कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। पहले आती थी मोदी जी के जुमलों पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। और कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है कि सीएमआई का जो आंकड़ा है कि 97% लोगों की आय कम हो गई है, कि बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है, कि काम धंधा